नमस्ते, आज के इस वीडियो में इंटरमीडिएट क्लास 12th के सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित 21 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा में हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित कुल 10 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से 5 अंक का हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न आता है और 5 अंक का हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न आता है। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। वह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो प्रश्न बता रहा हूँ आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे। ये सब प्रश्नों की पुनरावृत्ति बार बार बोर्ड परीक्षा में होती रहती है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद? नहीं। मैथिली शरण गुप्त? नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? हाँ, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जो एक छायावादी कवि हैं, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2, हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है का संयोग श्रृंगार पर आधारित काव्य? नहीं। ख स्फुट गीतों का संकलन? नहीं। ग शांत रस पर आधारित काव्य? नहीं। विप्रलभ रस पर आधारित काव्य? हाँ, हरिऔध जी की रचना प्रिय प्रवास विप्रलभ रस यानी वियोग श्रृंगार रस पर आधारित काव्य है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। प्रश्न संख्या 3, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, पद्मावत, रामचंद्रिका? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो आदिकालीन रचना है और इसके रचनाकार चंदबरदाई जी हैं, और इसी पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रश्न संख्या 4, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अभी प्रश्न संख्या 3 में क्या था कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, लेकिन प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछ रहा है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? शाकामायनी को? नहीं। साकेत को? नहीं। प्रिय प्रवास? नहीं। हाँ, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है, याद रखिएगा। ये प्रिय प्रवास हरिऔध जी की रचना है और इसे हिंदी खड़ी बोली का पहला प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रश्न संख्या 5, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचनाएं लिखी? बिहारी ने? नहीं। केशव ने? नहीं। घनानंद ने? नहीं। तो इसका सही उत्तर है घ भूषण ने। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचनाएं लिखी हैं? महाकवि भूषण ने। शिवराज बावनी, शिवा शौर्य, छत्रसाल दशक, ये सब भूषण की वीर रस की रचनाएं हैं। भूषण रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि थे जो वीर रस की कविताएं लिखते थे, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के कवि हैं? हरिऔध जी? नहीं। ये तो द्विवेदी युग के हैं। श्रीधर पाठक? नहीं। ये तो भारतेंदु युग के हैं। भवानी प्रसाद मिश्र? ये भी नहीं। अज्ञेय? हाँ, निम्नलिखित में से छायावाद उत्तर काल के कवि अज्ञेय जी हैं, याद रखिएगा। छायावाद उत्तर काल यानी छायावाद के बाद का काल कौन सा था? प्रयोगवादी काल। तो उसके कवि हैं अज्ञेय, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। प्रश्न संख्या 7, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1943 ईस्वी? नहीं। 1938 ईस्वी? नहीं। 1954 ईस्वी? नहीं। 1936 ईस्वी? हाँ, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 में हुई, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 8, कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए ग्राम्या में? हाँ, इसका सही उत्तर है ग्राम्या में। कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए किस कृति में, किस रचना में? ग्राम्या में, ग्राम्या से, याद रखिएगा। 9, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1951, 1954, 1956, 1959?
तो इसका सही उत्तर है सन 1959। देखिए जो पहला सप्तक है उसका नाम है तार सप्तक, और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 और तीसरे का 1959। तो यहाँ पूछा है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो क्या होगा 1959। प्रश्न संख्या 10। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं भूषण, घनानंद, केशव, जायसी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग, केशव जी, केशवदास कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं। क्यों कहते हैं केशव जी को कठिन काव्य का प्रेत? क्योंकि केशव जी की भाषा बहुत ही सशक्त होती थी, कठिन होती थी, आम लोगों को इनकी काव्य भाषा समझ पाना मुश्किल होता था, इसलिए केशव जी कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 11। आधुनिक युग की मीरा हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सुमित्रा कुमारी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ख, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी हैं। प्रश्न संख्या 12। गुंजन के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, दिनकर, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद। तो इसका सही उत्तर है क, गुंजन के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं, याद रखिएगा। आगे पारिजात, प्रश्न संख्या 13 है, पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? सुमित्रानंदन पंत, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, महादेवी वर्मा, मैथिली शरणगुप्त। तो दोस्तों पारिजात गीत संग्रह अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी के गीतों का संकलन है। पारिजात किसके गीतों का संकलन है? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न संख्या 14। भारतेंदु हरिश्चंद द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती? नहीं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ब्राह्मण? नहीं, इसके ये भी उत्तर गलत है। कवि वचन सुधा? हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है ग, कवि वचन सुधा, इसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। प्रश्न संख्या 15। सुमित्रानंद सुकुमार कवि हैं प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के, भक्ति के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क, सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। प्रश्न संख्या 16। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदंबरा पर, अतिमा पर। तो दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी को इनकी कृति चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 17। कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद? नहीं, नागार्जुन? नहीं, मैथिली शरणगुप्त? नहीं, श्रीधर पाठक? जी हाँ, कश्मीर सुषमा के रचयिता भारतेंदु योगिन कवि श्रीधर पाठक जी हैं। प्रश्न संख्या 18। चांद का मुँह टेढ़ा है के रचनाकार हैं? रचना का नाम है चांद का मुँह टेढ़ा है, इसके रचनाकार हैं मुक्तिबोध? हाँ, गजानन माधव मुक्तिबोध, पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, इन्हीं की रचना है चांद का मुँह टेढ़ा है। एक और रचना है इसी तरह की, कला और बूढ़ा चांद, उसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं, याद रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 19। शोक गीत है राम की शक्ति पूजा, मौन निमंत्रण, सरोज स्मृति, अंधेरे में। तो दोस्तों शोक गीत सरोज स्मृति है, निराला जी की, क्या है, निराला जी की एक सरोज नाम की पुत्री थी जिसकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई थी, उसी की स्मृति में इन्होंने एक गीत लिखा था सरोज स्मृति, जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। अब प्रश्न संख्या 20। संधनी गीत संग्रह है पंत का, निराला का, प्रसाद का, महादेवी का। तो दोस्तों संधनी गीत संग्रह महादेवी वर्मा जी का है। प्रश्न संख्या 21। आंसू की रचना किस कवि ने की है? बिहारी ने? नहीं, नरपति नाला ने? नहीं, जयशंकर प्रसाद ने? जी हाँ, आंसू की रचना जयशंकर प्रसाद, आंसू की रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो दोस्तों ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद मैं पार्ट 3 का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसे भी आप देख लीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।